नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने हमारी पिछली नैनो की वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम को ना मैंने काफ़ी सारे जो सीएनजी वाले बैठे होते हैं उनके पास दिखाया भी था, किस कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही इशू आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, वही पता नहीं चल रहा था। तो फाइनली वो मुझे पता चला, और जो वीडियो मैंने डाला था ना उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत सारी कंपनी फिट सीएनजी नैनोज में ना ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इशू होता क्या है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं ना कार का, तो यहाँ पे इसके सीएनजी सिलेंडर्स हैं और पीछे की साइड इसका ना रेगुलेटर लगा हुआ है। मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये सीट के पीछे यहाँ साइड रेगुलेटर लगा होता है, प्रेशर रेगुलेटर। ये सारा ना उसी का फॉल्ट होता है। जो प्रेशर रेगुलेटर है वही ज़िम्मेदार होता है गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट करने के लिए। वो कमांड भेजता है ईसीएम यूनिट में और गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है। बट जब प्रेशर रेगुलेटर में इश्यूज आते हैं ना, तो होता क्या है, गाड़ी सीएनजी पे कभी नहीं आएगी जब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल है। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमारी गाड़ी सीएनजी पे चलनी चाहिए बट वो सीएनजी पे ना चल के पेट्रोल पे चलती है जब तक पेट्रोल है। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद फिर सीएनजी कन्वर्ट होती है, जो कि एक इशू था। और इसके लिए मैंने टाटा में बात करी थी तो 38,000 रुपये का वो पार्ट बता रहे थे। तो आपका 38,000 रुपये का, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा ना, ये काम 10 रुपये में हो जाएगा। जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे एक YouTube सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि अगर ऐसा ऐसा जुगाड़ करते हैं तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे आ जाएगी। देखो ये एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका तो नहीं है, पर आपका काम हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या है। ये वाला सीएनजी का बटन होता है जो कंपनी से आता है, ये मैंने साइड में एक और बटन लगाया है। इसका काम क्या है वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको आप निकालेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ से मेरी दो केबल्स जा रही हैं। अब वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ जा रही है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारी गाड़ी का डायग्राम जो फ्यूज का है। अब अगर आप इसमें देखें तो सेकेंड लाइन में फ्यूल पम्प की रिले, ये वाला 15 एम्पीयर का फ्यूज होता है। तो उसमें मैंने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाड़ी के नीचे उजाला करने के लिए ना मैंने एक छोटा सा लैंप इमरजेंसी यहाँ पे लगा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से मैं दिखा सकूँ कि क्या क्या जुगाड़ करके आप इसको चला सकते हैं। तो एक स्विच लगाया, ऑन ऑफ स्विच, उसके दो केबल्स लेके गया हूँ मैं। अब उनकी दो केबल्स ना मैं इस वाले फ्यूज बॉक्स में लेके गया हूँ। ये आप देख रहे हैं ये वाली जो दो केबल आके लगी हैं, जूम अगर अच्छे से हो जाए तो, ये वाली दो केबल आके लगी हैं जो ये फ्यूज में लगी हुई हैं। और ये फ्यूज पम्प जो है ना, फ्यूल पम्प का जो फ्यूज है वो है ये। एक्स्ट्रा ये वाले फ्यूज लगे हैं, तो कोई भी एक आप फ्यूज लगा लेना। वैसे जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ना मैंने एक फ्यूज़ निकाल लिया एक्स्ट्रा। तो आपको करना क्या है ना, आपको ना इसके ऊपर, ये जूम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मोबाइल में, आपको इसके ऊपर दो पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, अगर आप देखें ये वाले, इनको थोड़ा थोड़ा ना प्लास्टिक को साइड से तोड़ लेना और इन पे ना दो तार सोल्डर कर लेना सोल्डिंग आयरन से। भाई जो भी आप एक्स्ट्रा फ्यूज़ लेंगे ना, जो एक्स्ट्रा फ्यूजेस लगे हुए हैं इस लाइन में, स्पेयर फ्यूजेस कुछ लगे होते हैं, वो फ्यूज ना ख़राब होना चाहिए। मतलब वो फ्यूज उड़ा होना चाहिए, मतलब वो अगर वो सप्लाई दे रहा है, मतलब उसमें, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे अभी आप इसमें देखें फ्यूज में, तो एक ना पतली सी एक स्ट्रिप होती है अंदर की साइड, जूम अगर ये अच्छे से हो पाए तो, स्ट्रिप देख रहे हैं ना, ये इस लेग को दूसरी लेग से कनेक्ट करती है। तो मेक श्योर जब आप यहाँ पे शोल्डर करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये वाला पार्ट आपको तोड़ देना है। वो कैसे तोड़ेंगे आप, या तो आप इस पर कोई भी ख़राब फ्यूज ले लेना, तो सबसे अच्छा तो वही है, या आप नीचे के साइड से ना यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं छोटे से पेचकस की मदद से। और खोलने के बाद ये पतली वाली जो लेग है ना अंदर वाली, ये तोड़ देना। मतलब इस लेग का इस लेग से कोई कनेक्शन रहना नहीं चाहिए, ये वाला ब्रिज जो है वो टूट जाना चाहिए। फिर आप यहाँ पे सोल्डर करेंगे तो ही आपकी वायर जो है स्विच के थ्रू काम कर पाएंगी। सोल्डिंग होने के बाद वो दो तार यहाँ आ जाएंगे आपकी और इस वाले स्विच में लग जाएंगी, और उसको आप उसी जगह पर लगा देना जैसे मैंने लगाया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, ये अपना जो भी है ये ढक्कन आप बंद कर लेना। अब एक तरह से ना आपका जो फ्यूज है वो इस बटन से होके जा रहा है। अब जैसे ये बटन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है,
तो स्टार्टिंग टाइम पे आपको ये बटन ऑन रखना है, मैंने उल्टा लगाया इसको क्योंकि इसकी पोजिशनिंग ऐसी कि उल्टा ही लगेगा, ये आपको ऑन रखना है, ठीक है। जब आप ऑन रखेंगे तो आपको कार को चलाना है कुछ देर, 2-3 किलोमीटर, और आपको चलती हुई कार में इसको बंद कर देना है। जब आप इसको बंद करेंगे ना तो आपकी गाड़ी एक झटका लेगी। अब जब झटका लेगी गाड़ी तो गाड़ी का जो ECM यूनिट है वो सेंस करेगा कि गाड़ी में जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। अब पेट्रोल ख़त्म होने के बाद आपकी कार CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब तक आप इस इग्निशन स्विच को ऑफ़ नहीं करेंगे आपकी गाड़ी CNG पे ही रहेगी। जैसे अभी मैं इसको CNG पे चला के लाया हूँ, आप देखो CNG पूरी भरी हुई है गाड़ी में, फुल, पेट्रोल ज़रा सा था। तो मैंने इसको अभी बंद कैसे किया, गियर में डाल के और ब्रेक दबा के बंद कर दिया है। तो अभी मैं अगर गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये गाड़ी CNG पे ही स्टार्ट होगी। एक्चुअली अभी भी गियर में, मैंने गियर निकाल लिया, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये CNG पे स्टार्ट होगी। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ये CNG पे ही स्टार्ट हुई है और CNG के ही बार्स इसमें आ रहे हैं। तो जब तक आपकी कार CNG पे चलती रहेगी जब तक ये बटन आपका ऑफ है। फिर आप जब गाड़ी लाके खड़ी कर दें, मान लिया आपका पूरा काम हो गया है, तो आपको इस बटन को ऑन रखना है, मतलब आपको इस बटन को पेट्रोल पे रखना है एक तरह से। अच्छा, मीनवाइल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपका ये ऑल द वे ये जो बटन है CNG वाला, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, मतलब अंदर की तरफ दबा रहना चाहिए, तभी तो आपकी गाड़ी CNG पे कन्वर्ट होगी। अगर आप ये स्विच भी ऑफ़ कर देंगे दैट मीन्स पेट्रोल की सप्लाई रुक जाएगी और CNG आपने पहले बंद की हुई है यहाँ से, तो फिर कैसे काम होगा, फिर तो कोई भी फ्यूल सप्लाई नहीं मिलेगी कार को। तो आपको ये वाला स्विच ऑन रखना है हमेशा CNG का। जैसे ही आप फ्यूल की सप्लाई रोकेंगे, मतलब पेट्रोल की सप्लाई आप रोकेंगे यहाँ से इस बटन से, क्योंकि ये बटन ऑफ़ करने से क्या होगा, एक तरह से फ्यूज काम नहीं करेगा, जो फ्यूल की रिले है ये वाली, यहाँ पे आपने जो देखा होगा फ्यूल पंप की रिले है, वो जब काम ही नहीं करेगी तो गाड़ी के ECM यूनिट को कमांड मिलेगी कि इसको CNG पे कन्वर्ट करो, तो आपकी गाड़ी CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी और ऐसे CNG पे चलेगी। तो आपका 38,000 रुपये का काम इस 10 रुपये के स्विच से हो जाएगा। फिर भी कुछ इश्यूज़ आते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, इसमें मेरा भी सॉल्यूशन हुआ है और आप लोगों को भी मदद मिलेगी। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यार आपका 38,000-40,000 रुपये का काम हम 10 रुपये में करा रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, हमारा जो चैनल थोड़ा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।